महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल चल रही है, एनसीपी को लेकर के कई बयान। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की कंस्टिट्यूशन जो है 11 जुलाई को एक सुनवाई करेगी जो 370 आर्टिकल को हटाने का है उसका, और 2 UTs में उसका बाइफर्केशन हुआ है, इस तरह से देखते हैं आप इस सारे मामले। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर को जो उसका हक था वो 75 वर्षों के बाद मिला। धारा 370 35 ए का हटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति, विकास, भाईचारा पहले से ज़्यादा बढ़ा है और यही नहीं, पर्यटकों की संख्या भी कई गुना ज़्यादा बढ़ी। और आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर अब पथराव की घटनाएं बंद है, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है और पर्यटक और निवेशक जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि इसमें बदलाव हो। जहां तक न्यायालय में बात है, अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है, मैं तो इतना ही कहूंगा, दोनों सदनों ने इसको पास किया था, धारा 370 35 को सदा सदा के लिए हटाया गया और ये जम्मू कश्मीर के हित में था।